हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल आप सबके। वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने वाले कार सेलर सिमुलेटर 2023। तो गाइस अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा कि आपको हमने कम रेट में गाड़ी लेकर ज़्यादा रेट में सेल की थी, जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ। तो क्या है ना गाइस, हमारा शोरूम बहुत ज़्यादा छोटा है, उसमें हम ज़्यादा गाड़ी नहीं रख सकते। तो मैंने उस वीडियो पर बोला था हमारा शोरूम हम अपग्रेड करने वाले हैं, जो कि मैंने फाइनली अपग्रेड कर दिया है अपना शोरूम। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना शोरूम कितना अपग्रेड किया है। तो गाइस अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। चलिए गेम प्ले शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने अपना घर भी चेंज कर दिया, क्योंकि गाइस वो बहुत ज़्यादा छोटा था रूम, जिसमें हमारे लिए सिर्फ एक बेड था। इधर मैंने एक स्क्रीन लगवाया और इधर अपना ऑफिस का काम के लिए लगा लिया इधर, जो कि आप देख सकते हो उससे थोड़ा बहुत बड़ा है। और हम रहते अभी इस बिल्डिंग में, और मैं पहले उस तरफ था गाइस, मैंने चेंज करवा दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आप देख सकते हो ये कैसा है हमारा रूम। तो गाइस अभी चलते हैं अपना शोरूम में, जाके आपको दिखाते हैं कि मतलब अपना शोरूम में क्या क्या अपग्रेड हुई है, जो कि अपना घर का बाजू में ही है। हमें गाड़ी नहीं चाहिए जाने के लिए, जो कि आप देख सकते हो आगे ही हमारा शोरूम, क्योंकि गाइस शोरूम का बाजू में ही घर रखा है, क्योंकि इसको भी देखना पड़ेगा ना, नहीं तो कोई भी बंदे आके अगर गाड़ी चुरा लिया तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये देख सकते हो अपना शोरूम कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है। तो गाइस इधर इस तरफ गाड़ियाँ रखने के लिए दो फ्लोर का शोरूम है, और इधर एक अपना वर्कशॉप हो गया, जिससे कि अगर किसी बंदे को गाड़ी ख़राब हुआ तो इधर आके ठीक करवा सकते हैं, और हम पुरानी गाड़ी लेकर सेल कर सकते हैं गाइस इधर ठीक करवा के, जिससे और ज़्यादा हमें मुनाफा हो जाएगा। तो गाइस अभी चलते हैं अंदर, मैं इसको ओपन करना होगा पहले। तो ये खुल गया हमारा शोरूम। तो गाइस मैं आपको अंदर से बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं वर्कशॉप दिखा देता हूँ गाइस कैसा है। तो गाइस ये है हमारा वर्कशॉप, जो कि इधर अपना गाड़ी का रिपेयरिंग करेंगे। मुझे इधर भी एक बंदा रखना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे उधर गाड़ी भी रखनी है शोरूम में, तो बहुत ज़्यादा काम है गाइस, इसमें मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, मुझे पहले उधर गाड़ी सेल करनी है। आप देख सकते हो इधर टूल्स रखा हुआ है, जिससे कि गाड़ी का रिपेयरिंग करेंगे। तो इस तरफ भी टूल्स रख दिया हमने, और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से अपना शोरूम कैसा है। गाइज वेलकम टू द MR शोरूम। तो गाइज आप देख सकते हो पहले से हमारा शोरूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि गाइज पहले हम सिर्फ 4-5 गाड़ियाँ रख सकते थे, नहीं सिर्फ 4 गाड़ियाँ रखने की जगह थी हमारी शोरूम में, जो कि अभी 2 फ्लोर का इतना बड़ा शोरूम बनाया। गाइज अभी अगर मैं ये पूरा गाड़ी से भर दूंगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा बाहर से देखने में। और इधर हो गया अपना लैपटॉप, जिससे कि हम अपना शोरूम के लिए काम कर सकते हैं। और इधर गाइस मैंने लगवा लिया ATM, जिससे बंदों को अगर पैसे चाहिए होगा तो इधर से उठा के अपना गाड़ी ख़रीद सकते हैं आराम से, तो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है गाइस। हमारा शोरूम के अंदर ही ATM है गाइस, और मैं आपको लेके चलता हूँ इस तरफ। ये इधर भी छोटा सा रूम है, तो इधर देख सकते हो, जो कि ये मैंने थोड़ा अलग बनाया है, जिससे कि गाइस इधर हम सुपर कार्स रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये इधर मैं 4 गाड़ियाँ रख सकता हूँ, जो कि मैं कोई भी अच्छा गाड़ी जो कि ज़्यादा रेट की होगी और सुपर कार्स होगी, मैं इधर रखूँगा इसको, क्योंकि गाइस चोरी का भी डर है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो उसमें हमारी एक गाड़ी चोरी हो गई थी, तो एक बंदे ने हमारी गाड़ी एक चुरा लिया था, उसका बाद मुझे डर लगा है। अभी मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना है, मैंने लास्ट टाइम तो रखा था, वो बंदा आया नहीं, अभी शायद सैलरी नहीं मिला होगा। तो मैं अभी लेके चलता हूँ इस तरफ। तो इधर हम कस्टमर के लिए लगा लिया इधर एक सोफ़ा, तो आप देख सकते हो इधर बड़ी सी स्क्रीन है, तो कस्टमर को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए ना। तो गाइस पहले क्या होता था ना, इधर गाड़ी कस्टमर लेते और अपना लेके चले जाते, बैठने के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन अभी आप देख सकते हो इतना बड़ा जगह है, जो कि कस्टमर बैठने के लिए, जो कि कस्टमर अपना बैठ के आराम से मस्त अपना गाड़ी लेंगे, जो भी डील ले करेंगे। और इधर बड़ी सी स्क्रीन है, इधर अपना TV भी देखेंगे। तो
तो गाइज अभी लेके चलते हो अपना शोरूम की ऊपर की फ्लोर पर। तो गाइज ये हो गया हमारा शोरूम की ऊपर का फ्लोर। आप देख सकते हो इधर भी थोड़ा अलग है, क्योंकि सब जगह डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। इधर भी मैं बहुत सारी गाड़ियाँ रख सकता हूँ एक बार में, तो आप देख सकते हो ऐसा है। और मैं अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगता है हमारा शोरूम। तो अभी हम एक गाड़ी सेल करने वाले हैं, जो कि मैं पुरानी गाड़ी खरीदने वाला हूँ, उसको मैं मॉडिफाई करके फिर सेल करेंगे। और मुझे मॉडिफाई करने के लिए इधर जाना होगा, जो कि गाइज अभी शाम हो गई है तो मुझे बंद करके जाना होगा। तो चलिए गाइज चलते हैं हम अपना घर में सोने के लिए, क्योंकि रात होने वाली है, उससे पहले हमें जाना होगा। अपना शोरूम हो गया बंद, तो हम एक गाड़ी सेल करेंगे कल। तो गाइज अभी ये हो गई सुबह। अब सुबह की वेदर देख सकते हो कैसा है, बहुत मस्त, जो कि इधर थोड़ा ग्रीनिश है, थोड़ा अच्छा लगता है गाइज अगर बाहर ये तो। रोड में गाड़ियाँ ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि शायद गाइज बंदों का पास गाड़ी नहीं होगा, तो उससे फ़ायदा हमारी है, क्योंकि हमारे शोरूम में आएंगे गाड़ी लेने के लिए। क्योंकि गाइज आप देख सकते हो ये शहर में कहीं पर भी एक भी शोरूम नहीं है, तो सब बंदे इधर ही आएंगे। और गाइज आप एक बार देखना मुझे अपना शोरूम खुलने के बाद कितने बंदे आते हैं। तो गाड़ियों की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो गाइज अभी मैं एक गाड़ी मॉडिफाई करने वाला हूँ, और उसको मॉडिफाई करके सेल करेंगे, देखते हैं कितना मुनाफा होता है। तो इधर मुझे एक पुरानी गाड़ी लेनी होगी, तो मैं $1,000 में लूंगा ये गाड़ी। तो ये देख सकते हो ये गाड़ी मैंने ली है अभी, तो इसको मुझे बहुत गंदा हो गया है, ये मुझे साफ़ करनी होगी, फिर इसको कलर करके थोड़ा डिज़ाइन उजा डाल के फिर हम इसको सेल करेंगे। मुझे पहले साफ करना होगा, पहले मैं बानेट की तरफ से साफ़ करना शुरू करता हूँ, जो कि इस तरफ हो गया, और ये करते हैं साफ, ये भी हो गया अपना साफ, तो इस तरफ हो गया, थोड़ा सनरूफ बचा है इस तरफ, ऊपर ये भी साफ कर लेते। तो गाइज ये पूरा हो गया साफ। अभी मैं इसको पेंट करने वाला हूँ, जो कि मैं अभी ग्रीन पेंट ही करूँगा, जिससे गाइज थोड़ा अच्छा दिखेगा गाड़ी, इसका कलर इसमें मैच होगा ना ग्रीन कलर। तो ये हम करने वाले इसको ग्रीन कलर। आप कमेंट करके बताना ये कलर इस गाड़ी में कैसा लग रहा है। तो चलिए गाइज फाइनली कलर भी हो गया, अभी हम करते हैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन। तो हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं, जिससे कि गाइज मैं ये डालने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लगता है ग्रीन में, तो इसको मैं ऐसे बिठा देता हूँ इस पर, अप्लाई कर दिया मैं, और इस तरफ भी लगाने वाले हम, और इस तरफ में ऐसे ही लगा लेते उस तरफ का जैसा। तो इधर भी मैंने अप्लाई करवा दिया, जो कि और पीछे डिज़ाइन करूँ क्या ऐसे, नहीं वो ख़राब दिखेगा ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ऊपर लगा सकता हूँ ना, नहीं वो ज़रूरत नहीं है गाइज। तो गाइज अभी पूरी तरह से हमारा गाड़ी मॉडिफाई हो गया, अपना कलर मस्त अभी दिख रहा है। तो अभी मैं इसको सेल करने वाला हूँ, देखते इससे कितना ज़्यादा मुनाफा होता है हमें। ये देख सकते हो हमारी कार जो अभी हमने मॉडिफाई किया। तो अभी हम चलते हैं अपना शोरूम में, इस गाड़ी को लगाएंगे, जो कि मैं लगाने वाला हूँ आगे की तरफ। और गाइज आप देख सकते हो कितनी सारी कस्टमर जो कि आके वापस जा रहे हैं, हमारे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। तो इस गाड़ी को मैं इधर ही लगा लेता हूँ। तो गाइज मैंने ली थी इस गाड़ी को $1,000 में, जो कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो इसको मैं हाई प्राइस में रखने वाला हूँ, देखते कितना महंगा सेल होती है ये। तो ये मैंने लगवा लिया सेल में, तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं गाइस, कस्टमर आएंगे तो सेल हो जाएगी ये।
कि अभी दो कस्टमर आए हैं, देखते ये लेंगे या नहीं। नहीं, ये बंदा इधर आके घूम के क्यों जा रहा है। तो गाइज ये कस्टमर टेस्ट ड्राइव के लिए बोल रहे हैं, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, शायद ज़्यादा बिक जाए, देखते हैं। तो गाइज हमें कस्टमर को टेस्ट ड्राइव देनी होगी, उसके बाद ही खरीदेगा कस्टमर। तो चलिए गाइज टेस्ट ड्राइव के लिए चलते हैं हम। और रास्ता भी ऐसा है ना गाइज, इसमें यार कभी ठोक ना जाएगी, क्योंकि अभी अभी शोरूम से निकाला है नया गाड़ी, तो इसको ख़राब नहीं करना है। अगर मैंने किधर भी ठोका ना, कस्टमर क्यों नहीं देगा ये गाड़ी, तो मुझे ध्यान से चलाना होगा यार। फिर जाके ठोकने वाला था, मैं बाल बाल रखा। वो आगे चलते हैं हम, इसका टॉप स्पीड तो दिखा नहीं रहा है, क्योंकि यार प्लीज़ यार मैंने ही गाड़ी ठोक दिया। तो गाइस कुछ नहीं हुआ, गाड़ी ख़राब नहीं हुई है, आगे से थोड़ा सा ठोका था, जिससे ऐसा तो कोई ख़राबी नहीं है ये गाड़ी में। गाइस ये गाड़ी और ज़्यादा स्पीड में चल सकती है, लेकिन रोड ही ऐसा है ना, स्पीड में मैं चला नहीं सकता, क्योंकि नई गाड़ी है, अगर मैं ठोकूंगा तो कस्टमर फिर नहीं लेंगे। हमारा टेस्ट ड्राइव ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा आगे है। क्या रास्ता है ये, क्या घुमा घुमा, टेस्ट ड्राइव तो देना है ना। इस तरफ कोई स्क्रीन लगी हुई है, पता नहीं किसकी स्क्रीन लगा है। तो हमारी टेस्ट ड्राइव एंड हुआ, अभी चलते देखते ही कस्टमर लेता है या। तो गाइस टेस्ट ड्राइव देने के बाद कस्टमर बोल रहा है कि 1.15K देगा इसका। तो चलिए गाइस पहला कस्टमर है, सेल कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा मुनाफा तो हुआ है ना। तो चलिए हमने इसको सेल कर दिया अभी। तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय गाइस।